मंजू वर्मा, सहाचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अपना विषय है सम्राट अशोक। बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो चंद्रगुप्त के पश्चात 298 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में उसके जन्म के विषय में एक रोचक प्रसंग है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विष का अभ्यस्त बनाने के उद्देश्य से उसको भोजन में अल्प मात्रा में विष देना प्रारंभ किया था। उसका उद्देश्य यह था कि यदि कोई शत्रु विष अथवा विष कन्या द्वारा चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहे तो वह सफल नहीं हो सके। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने भी चंद्रगुप्त के साथ भोजन किया, किंतु विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। रानी गर्भवती थी। चाणक्य ने शीघ्र ही उसके उदर को चिरवा कर बच्चे को निकलवा लिया, जिसके मस्तक पर विष की एक बूंद लगी थी, अतः उसका नाम बिंदुसार रखा। नेक्स्ट, अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बना। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवकाल रहा, क्योंकि उस समय में अशोक ने अपनी असाधारण क्षमताओं से भारत को सर्वोन्मुखी उन्नति प्रदान की। एचसी वेल्स ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्र राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान देदीप्यमान है। साम्राज्य विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, धन रक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास एवं प्रजावात्सल्यता आदि प्रत्येक दृष्टिकोण से अशोक का स्थान सर्वोच्च है। अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के प्रशासन को पूर्ण बनाने तथा अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसके लिए उसे कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। नेक्स्ट, इतिहास जानने के स्रोत। पहला है साहित्यिक स्रोत। यद्यपि अनेक विद्वान साहित्यिक स्रोतों की ऐतिहासिकता एवं उसमें वर्णित प्राप्त अनेक तथ्यों के महत्व को कम नहीं माना जा सकता, अशोक पर प्रकाश डालने वाले साहित्यिक स्रोतों में दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावदान, अशोकावदान, माला, आर्य मंजुश्री, मूलकल्प, राजतरंगनी कथाएं आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी लेखकों फायान, हेनसांग, इतिसंग ने भी वर्णन में इनका उल्लेख किया है। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण अशोक के स्वयं के अभिलेख हैं। सर्वप्रथम टेफिंथलर ने 1750 ईसा पूर्व दिल्ली में अशोक का स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक अभिलेखों को पढ़ने व उनका संबंध अशोक से जोड़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस को 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। अशोक के अभिलेखों में कई प्रकार के लेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुफा लेख। शिलाओं पर उत्कीर्ण लेख भी दो प्रकार के हैं। बड़े शिलालेख, ये संख्या में 14 हैं, जो कालसी, मानसेहर, शाहबाजगड्डी, गिरनार, सोपारा, भेड़गुड्डी, धोली तथा जोगढ़ में पाए गए हैं। लघु शिलालेख ये विराट, रूपनाथ, सहस्राम, ब्रह्मगिरी, गाविमंत, गोजेश्वर, मस्की, पालरी, रजलू आदि पाए गए हैं। नेक्स्ट, स्तंभ लेख, ये संख्या में 7 हैं तथा इलाहाबाद, दिल्ली, टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोटिया, अर्राज, लोरिया, नंदगढ़ तथा संपूर्ण में मिले हैं। गुफा लेख, ये 3 हैं, बरार की गुफा में, इसके अतिरिक्त नीलगिरी सागर, इलाहाबाद, सांची, सारनाथ, वैराट, रुमिनदेई व कंधार में भी मिले हैं। अन्य अभिलेखों में 150 ईसा के रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख व नागार्जुन की गुफा अभिलेख इस विषय में उल्लेखनीय हैं। नेक्स्ट है अशोक का प्रारंभिक जीवन। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, किंतु उसकी माता कौन थी, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। दीपवंश व महावंश ने बिंदुसार की 16 रानियां व 101 पुत्रों का उल्लेख किया है। अशोकावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम शुभ्रदांगी था, जिसे एक राजकीय षड्यंत्र के कारण राजा से अलग रखा गया।
अंत में राजा से मिलाप होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के अवसर पर उसने कहा कि अब मैं दुख से मुक्त हूँ, अर्थात अशोक। इसी का कारण पुत्र का नाम अशोक पड़ा। शुभ्रदांगी से दूसरे पुत्र का नाम वीरताशोक अर्थात दुख का अंत रखा। पाली ग्रंथों में अशोक की एक ही बहन का पता लगता है जो कुमार अग्नि ब्रह्म की माँ थी। अशोक ने अपने 5वें शिलालेखों में अनेक भाई बहनों का उल्लेख किया है। अशोक ने कम से कम 5 विवाह किए जिनमें 4 पुत्र महेंद्र, कुणाल, तीवर व जालोक तथा संगमित्रा व चारुमती में नामक 2 पुत्रियाँ थीं। अशोक बचपन में अत्यंत उदंड व कुरूप था। अशोक कभी भी अपने पिता का अपने भाई सुसीम के समान स्नेह पात्र न बन सका। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की थी, किंतु समस्त राजकुमारों में अशोक सबसे योग्य था। पिता के काल में ही अशोक ने काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया था, जैसे तक्षशिला का विद्रोह को दबाने में सुसीम असफल रहा तो अशोक को भेजा, जिससे सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन किया जा सके। इससे कई मंत्रियों का समर्थन भी उस प्राप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद ही बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अपने समर्थ मंत्रियों जिनमें राधागुप्त मुख्य था की सहायता से मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। बौद्ध ग्रंथों महावंश, दीपवंश, दिव्यादान, महाबोधि वंश एवं तिब्बती तथा चीनी साक्ष्यों से विदित होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम को परास्त करके मार डाला और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अशोक के मगध सम्राट बनने तथा उसके राज्याभिषेक में 4 वर्ष का अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण उत्तराधिकार संघर्ष ही था। दिव्यादान के अनुसार यह संघर्ष बिंदुसार के जीवन काल में ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट, अशोक के नाम। साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के 3 नाम थे, अशोक, दूसरा देवाना प्रिय प्रियदर्शी और तीसरा राजा। केवल मास्की के लघु शिलालेख को छोड़कर अशोक के अन्य सभी लेखों में उसे प्रियदर्शी के नाम से ही पुकारा गया। नेक्स्ट है अशोक की विजय। इसमें है कश्मीर विजय। अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार ने भी साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इस विजय को प्रमाणिक मानने में काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि कलिंग विजय के अतिरिक्त उसे अन्य कोई विजय नहीं की। नेक्स्ट है कलिंग विजय। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति का पालन किया। अशोक की शासक के रूप में प्रमुख सैनिक उपलब्धियां कलिंग पर विजय थी, जो नंद काल में मगध साम्राज्य का ही अंग था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। अशोक के समय कलिंग अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और उसकी बढ़ती हुई शक्ति मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी। अतः कलिंग की शक्ति को अवरोधित करना अशोक के लिए आवश्यक था। कलिंग यदि मौर्य साम्राज्य के अधीन न होता तो समुद्री व स्थल मार्ग से होने वाले मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सकता था। अतः अशोक के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना नित्यांत आवश्यक था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में किया था। पिलनी के वर्णन से ज्ञात होता है कि कलिंग पर एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था तथा उसकी सेना में 60,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार व 700 हाथी थे। अशोक की सेना भी अत्यधिक शक्तिशाली थी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। कलिंग के निवासियों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मौर्य सेना का सामना किया। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए वहां की स्त्रियां व पुरुषों ने प्राणों की बाजी लगा दी। अतः यह युद्ध अत्यधिक रक्त रंजित हुआ। इस युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात देवताओं के प्रिय सम्राट
प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में 150,000 व्यक्ति व पशु बंदी बनाकर कलिंग लाए गए, कई युद्ध भूमि में मारे गए और उसके कई गुना अन्य कारणों से नष्ट हो गए। युद्ध के तुरंत पश्चात महामना सम्राट ने दया के धर्म की शरण ली। इस धर्म के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य का प्रचार किया गया। इस विनाश की तांडव लीला ने, जो कि कलिंग राज्य के जीतने में हुआ, सम्राट के हृदय को द्रवित किया और उसके पश्चात उसको मार दिया गया। विजित कलिंग राज्य मगध साम्राज्य का अंग बन गया तथा उसकी राजवंश के लिए एक राजकुमार के अधीन कर दिया गया। इस प्रदेश की राजधानी तोशाली बनाई गई, जो पूरी जिले में स्थित थी। युद्ध में हुए इस भीषण नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को सदैव के लिए त्याग दिया। दिग्विजय के स्थान पर थम विजय को अपनाया। इस परिवर्तन के संबंध में त्रिपाठी ने लिखा है कि इसके बाद भेरी घोष सदा के लिए मुक्त हो गया और धम घोष का शांतिप्रद व सिंचित नाद दिवंगत में गूंज उठा। कलिंग का युद्ध निसंदेह एक निर्णायक घटना थी। हेमचंद राय चौधरी ने लिखा है, कलिंग विजय भारत तथा मगध के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद राजाओं तथा सम्राटों की राज्य विस्तार की लालसा व उसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की भांति, जो बिंबसार के अंग प्रदेश की विजय से प्रारंभ हुई थी, लुप्त हो गई। एक नवीन युग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें शांति, सामाजिक उन्नति व धर्म प्रचार का व्यापक प्रसार हुआ। किंतु इसके साथ ही राजनीति स्थिर हो गई, सैनिक शक्ति क्षीण हो गई व मगध की सैन्य भावना नष्ट होने लगी। दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और थम विजय युग का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट है अशोक व बौद्ध धर्म। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, इस विषय में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। सोनार्ट, कर्ण, फ्लीट व टॉमस आदि अनेक विद्वानों का विचार है कि अशोक बौद्ध नहीं था। सेनार्ट के अनुसार अशोक के धर्म में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके आधार पर उसे बौद्ध कहा जा सके। कर्ण ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है, अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त उससे और कोई बात नहीं है जो विशिष्ट रूप से बौद्धों की है। फ्लीट के अनुसार प्रारंभ में अशोक बौद्ध नहीं, वरन अपने राज्याभिषेक के 30वें वर्ष में वह बौद्ध बना। टॉमस के विचार से अशोक पहले जैन धर्म अनुयायी था, वह बाद में बौद्ध हो गया। फादर हेरास ने अशोक को ब्राह्मण धर्मावली भी माना है। कुछ विद्वान अशोक ब्राह्मण धर्मावली मानते थे, जिससे उसके धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म न था। राजतरंगिणी में भी उसके शिव का उपासक होने का उल्लेख है, जो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं मानते। उनका तर्क है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में निर्वाण का उल्लेख नहीं किया है। दूसरा, अशोक ने 4 आर्य सत्य का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। तीसरा, अशोक ने अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख नहीं किया है। उपर्युक्त तर्कों से यह प्रमाणित होता है कि अशोक बौद्ध नहीं, वरन इनमें से तो वह स्पष्ट होता है कि अशोक ने संकुचित धार्मिकता नहीं थी। बौद्ध मानने वालों का प्रबल तर्क है कि डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने लिखा है, कुछ लोगों ने उसको बौद्ध होने में संदेह व्यक्त किया है, परंतु उसकी यह धारणा इसलिए भ्रामक है कि ऐतिहासिक अनुश्रुतियों और अभिलेखों के सम्मिश्रण प्रमाण से बौद्ध धर्म के प्रति उसकी निष्ठा प्रमाणित है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में अशोक। बिंदुसार और अजात शत्रु जैसे शासकों का आश्रय पाकर बौद्ध धर्म मगध साम्राज्य में तेजी से प्रसार हुआ। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा बौद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाले भेद को रोकने का प्रयत्न किया गया था, परंतु नंदो ने जैन धर्म की अधिक आश्रय दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। राजाश्रय के अभाव में बौद्ध धर्म की प्रगति अवरुद्ध हो गई, वह भारत के एक कोने में सीमित पड़ा रहा। अशोक का राजाश्रय पाकर बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैल गया। एक शासक के रूप में उदार एवं सहिष्णु विचारधारा रखते हुए भी अशोक ने तन मन एवं धन से बौद्ध धर्म की उन्नति में विशेष रुचि ली। नेक्स्ट, धर्म यात्रा।
अशोक के पूर्ववर्ती शासक प्राय विहार यात्रा और आखेट आदि के लिए जाया करते थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद भी विहार यात्रा को बंद कर धर्म यात्रा करना प्रारंभ किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार उसने उपगुप्त के साथ बौद्ध तीर्थों की यात्राएं की। उसके अभिलेखों से विदित होता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों बोधगया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि की यात्राएं भी की। नेक्स्ट, सैनिक विजयों का परित्याग। अशोक के 13वें शिलालेख में प्रकट होता है कि उसके सैनिक विजयों के स्थान पर धर्म विजय करने का निश्चय किया। कलिंग विजय के बाद उसने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। उसके राज्य में भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष रहा। कलिंग युद्ध अशोक के हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है अशोक का जीवन। अशोक ने जनता का मार्गदर्शन करने के लिए अतुल धन संपत्ति का परित्याग कर साधारण भिक्षु सदृश जीवन व्यतीत किया। यज्ञों में जिनमें पशुवध होता था बंद करवा दिए। अपने महान सम्राट का आचरण जनता के लिए प्रेरणा बना और बहुत से लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए और अशोक के उपदेशों का यथावत पालन करने लगे। नेक्स्ट है दिव्य रूपों का प्रदर्शन। चौथे विशाल लेख से विदित होता है कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। इन दिव्य झांकियों को देखकर निश्चय ही लोगों के मन में स्वयं प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हुई और इसके लिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग बौद्ध धर्म का अनुसरण करना सुनिश्चित किया। नेक्स्ट है धर्मानुशासन। अशोक ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा किया करें और अपने दैनिक कार्य के अलावा लोगों की धर्मानुशासन का ज्ञान दिया करें। नेक्स्ट, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी धर्म महामात्र कहलाए। इससे पूर्व धर्म महामात्र नहीं थे। इनका मुख्य कार्य धर्म की स्थापना, धर्म की देखरेख, धर्म की वृद्धि तथा धर्मानुसार आचरण करने वाले लोगों के सुख एवं हित का ध्यान रखना था। नेक्स्ट, आत्मनिरीक्षण और धर्म श्रावण। अपनी आध्यात्मिक उन्नति की भी कामना करने वाले लोगों के लिए अशोक ने निछत्ति के सिद्धांत का आदर्श रखा और उनका मानना था कि ऐसे लोगों को अपनी स्वयं की आत्म परीक्षा तथा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जिससे उन्हें दैनिक बुरे कर्मों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती रहे। सातवें स्तंभ लेख में से विदित होता है कि अशोक स्वयं भी समय समय पर जनता को धर्म संदेश देता रहता था। हिंसा निषेध। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के उपरांत अशोक के धम का मूल मंत्र बन गया। पशुवध भी बंद कर दिया गया। इसके राज्य में कोई भी व्यक्ति पशु पक्षियों की हत्या नहीं करता था। परोपकार के कार्य। अशोक ने परोपकार व जन कल्याण के अनेक कार्य किए। सातवें स्तंभ लेख में वह कहता है कि मैंने वट वृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों की छाएं दे, आम्रकुंज लगवाए, कुएं खुदवाए, जलाशय भी स्थापित किए। नेक्स्ट, धार्मिक अभिलेख। इन अभिलेखों के पीछे यह उद्देश्य था कि ये चिरकाल तक जनता की स्मृति में धर्मोपदेश बना रहे और वह उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहें। चट्टानों, पत्थर के स्तंभ तथा गुफाओं पर धर्म सिद्धांतों तथा उपदेश को खुदवाया जिससे जनसाधारण को धार्मिक जानकारी मिल सके। नेक्स्ट, पाली भाषा का प्रयोग। अशोक ने अपने अभिलेख व बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में करवाई जिससे जनसाधारण को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने में पर्याप्त सहयोग मिल सके। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया जिससे बौद्ध धर्म की अत्यंत मतभेदों को दूर करने व धर्म को संगठित रूप प्रदान करने का संकल्प था। इस महासभा की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। 9 महीने तक उसका सम्मेलन चलता रहा। नेक्स्ट है विदेशों में धर्म प्रचार। तृतीय बौद्ध संगति के अंत में यह तय किया गया कि बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु भारत के विभिन्न भागों में
और उसके बाहर भी जाएं और अभी तक बौद्ध धर्म नहीं फैला था उसको फैलाएं और वहाँ उनका प्रचार प्रसार करें।